एक चीज मेरे को बस ये है कि साइकोलॉजिकली आपको मदद मिलती है, लेकिन कई एस्पिरेंट ऐसे, जैसे मैं खुद भी हूँ, कि मेरे बैकग्राउंड में आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उस यूपीएससी के अचीवमेंट तक पहुंचा हो, या फिर मेरी फैमिली में कोई इतना ऐसे कि अपर मिडिल जो फैमिली इनकम होती है वो भी नहीं है, इट्स लोअर साइड। तो जो उस तबके से उठ के लोग आते हैं वो उस इतना बड़ा सोच रखने वाले, जैसे हम उस चीज को बोलते हैं तो घर में सभी बोलते हैं कि इतनी बड़ी सोच रखोगे तो कहीं ना कहीं गिरोगे, कहीं ना कहीं मौत होगी, ऐसा कुछ करते। वहां से जब निकलते हो विदाउट हैविंग एनीबडी अराउंड यू, व्हाट कैन बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन टेल मी कि यार तू ऐसे कर सकता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो बैकग्राउंड चीजें नहीं है, आपके आसपास लोग अच्छे नहीं है, या फिर आपके आसपास प्रोफेसर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है अपने गाँव आसपास, लेकिन स्टिल आई हैव अ ड्रीम ऑफ बीइंग एन आईएएस एंड आई वांट टू चेंज द थिंग्स। अब मैं किस चीज से वो मोटिवेशन सीख रहा हूँ? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, इफ यू हैव नोबडी इन योर फैमिली या पीयर सर्कल या फ्रेंड्स या फिर अपने लोकेलिटी विसिनिटी में कोई नहीं है तो यू हैव इंटरनेट। आजकल इंटरनेट आपका दोस्त है, यू कैन कनेक्ट विद पीपल, यू कैन कनेक्ट विद सीनियर्स। कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, दे आर विलिंग टू हेल्प आउट, दे आर विलिंग टू ऑलवेज कनेक्ट विद एस्पिरेंट्स, थोड़ा थोड़ा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे भी जितना भी दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट, तो यू कैन फाइंड हेल्प फ्रॉम देयर। ठीक है, इंटरनेट पर यू कैन मेक पीयर सर्कल्स, यू कैन मीट सीनियर कैंडिडेट्स हु कैन गाइड यू, तो थोड़ा साइकोलॉजिकल सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाता है, थोड़ा ऐसा भी लगता है कि हाँ ये मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें क्लियर किया, दे आर नॉट एलियंस फ्रॉम सम अदर प्लैनेट। ठीक है, एवरेज लोग हैं, जैसे मैं एवरेज टाइप आदमी हूँ, मेहनत कर लेता हूँ, निकल जाता है, वो वाली चीज़ है, तो थोड़ा आपको सिक्योरिटी मिलेगा। दूसरा यह है कि क्या रिमेम्बर करें, क्या सोचें या क्या मोटिवेशन हो, तो मैं ये बोलूंगा कि अभी तो आप मेहनत करो, अभी टॉक लेस वर्क हार्ड, चुपचाप मेहनत कीजिए। ठीक है, ये मैं बोलूंगा, मतलब मेरा अप्रोच ये था, ज्यादा बातें नहीं करना किसी से कि मुझे ये करना मुझे वो करना है, अपने दिमाग में चीजें रखना है। ठीक है, थोड़ा उसको दिमाग में भरने दीजिए अच्छे से, और दिमाग में थोड़ा उसको राइप होने दीजिए, ये बोलूंगा। उसके बाद वंस यू गेट सिलेक्टेड, जब तक वो राइप हो रहा है तब तक स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको गिराएंगे नीचे खींचेंगे, स्टे अवे फ्रॉम दोस पीपल। और जब यू गेट सिलेक्टेड तब मैं ये बोलूंगा कि ये जो आपकी स्टेज है ना एस्पिरेंट वाली, जिसमें यू आर रेडी टू लर्न थिंग्स, यू आर ईगर टू लर्न थिंग्स, इसको मत छोड़ना, ये एटीट्यूड को मत छोड़ना, दैट विल टेक यू अहेड। एंड वेन यू गो अहेड, ये याद रखना कि कहाँ से आए हो, क्योंकि जब आप चेयर पे बैठे होगे ना, आपके पास 50 लोग आएंगे ऐसे कि सर मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हाई हैंडेड एटीट्यूड रखोगे ना, अरे मैं बॉस हूँ, मुझे नहीं करना तुम्हारा कुछ, ये वाला करोगे तो यू विल फेस ट्रबल एंड यू विल नॉट बी हेल्पफुल टू एनी वन। तो जहां से आए हो उसको याद रखना, यू विल बी एबल टू एम्पेथाइज विद द पर्सन हु इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल बी कंपैशनेट इनफ टू हेल्प देम। जहां से आए हो उसको याद रखना, अभी ज्यादा बोलना नहीं, मेहनत करना, और अगर पीयर सर्कल या फ्रेंड या हेल्प की जरूरत है, इंटरनेट इज ऑलवेज देयर विद यू। अगर आपके पास भगवान ने आपको अपने पीयर सर्कल फैमिली में लोग नहीं दिए तो भगवान ने इंटरनेट दिया है।